यह है आनंद पर्वत इलाके में बना रामजस स्कूल। स्कूल में सातवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा से स्कूल के कंप्यूटर टीचर विनोद कुमार ने छेड़छाड़ की। कंप्यूटर क्लास से पहले लड़के बाहर निकाले गए, बाद में लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। छात्रा ने जब परिजनों को बताया तो परिजनों ने स्कूल प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की। स्कूल की ये बात जब दूसरे अभिभावकों को पता चली तो स्कूल में काफी पेरेंट्स पहुँच गए। सभी गुस्से में थे क्योंकि इस स्कूल में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। स्कूल सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित है ही नहीं। कहाँ सुरक्षित है ये बताइए, आज बच्चा कि कहाँ सुरक्षित? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लाने और ले जाने की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, हम पेरेंट्स ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर की जिम्मेदारी तो टीचर्स की है ना। हमने उनके भरोसे पर अपना बच्चा छोड़ा हुआ है। इस पर स्कूल प्रशासन का कहना है कि जैसे ही उनको छात्रा के परिजनों ने शिकायत की तो तुरंत ही टीचर को बर्खास्त कर दिया गया और पुलिस बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्लास 7 के पेरेंट ने कंप्लेंट की है कि जो हमारे नए कंप्यूटर टीचर स्कूल में आए हैं, जिन्होंने 1 अप्रैल से ही क्लासेस लेनी स्टार्ट की हैं और कल उनकी पहली क्लास थी क्लास 7 में, उस टीचर ने गर्ल्स के साथ कुछ मिसबिहेव किया है, ये पेरेंट का कहना है। और हमने पेरेंट की कंप्लेंट को बहुत सीरियसली लिया है, पेरेंट्स ने हमें रिटर्न कंप्लेंट दी है और पेरेंट्स की रिटर्न कंप्लेंट पे हमने इमीडिएटली एक्शन लिया है। हमने ऑलरेडी एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में फाइल कर दी है, कंप्यूटर टीचर को पुलिस को ऑलरेडी हैंडओवर कर दिया है। एक स्कूल में ही छात्राओं का सेफ न होना बड़ी चिंता का विषय है और इसको लेकर पेरेंट्स भी काफी गुस्से में हैं। आनंद पर्वत थाना पुलिस ने शिकायत तो ले ली है और मामले की जांच कर रही है। छात्रा से काउंसलिंग के बाद बयान के मुताबिक मामला दर्ज करेगी। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए संजय वर्मा की रिपोर्ट।